नमस्कार, दैनिक जागृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हरे चारे के लिए ज्वार की खेती कैसे करें, उसकी उपयोगी विधि क्या है, उन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को आप दबाना मत भूलिए। इससे आपको समय समय पर कृषि और पशुपालन से जुड़े वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, जिससे आप विभिन्न प्रकार की जानकारियों से अवगत होंगे। और यदि आपकी कोई समस्या है तो उनके माध्यम से आप अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए हमारा वीडियो लाइक और शेयर आप जरूर कीजिए। तो आइए बात करते हैं हरे चारे के लिए ज्वार की खेती आप कैसे करें। खरीफ में हरे चारे के लिए ज्वार की खेती सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हरे चारे की ज्वार की किस्मों में एक कटाई से लेकर 3 से 4 कटाई देने की क्षमता है। गर्मी के मौसम में उगाई गई ज्वार में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्वार के चारे में ड्यूरिन नामक विषैले पदार्थ की मात्रा विशेषकर गर्मी के मौसम में अधिक हो जाती है। पशुओं के लिए इसका चारा पर्याप्त रूप से पौष्टिक होता है। ज्वार हरा चारा कड़वी तथा साइलेज तीनों रूपों में पशुओं के लिए उपयोगी है। और यदि आप खेती के लिए ज्वार उगाना चाहते हैं और उसकी जानकारी चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट पे आके उसके बारे में यहाँ से क्लिक करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, या फिर आप हमारा वीडियो भी सुन सकते हैं। अब किसान भाइयों, बात आती है ज्वार की पौष्टिकता की, पशुओं के लिए उसमें कितनी पौष्टिकता है। तो वो इस प्रकार है, सूचक भार के आधार पर इसमें 9 से 10% सीपी, 55 से 65% एनडीएफ और 32% सेलुलोज और 21 से 23% एमी सेलुलोज पाया जाता है। ज्वार दाने एवं हरे चारे दोनों के लिए उगाई जाती है और कड़वी में इसे 6 से 6.4% सीपी तथा 32 से 36% क्रूड फाइबर होता है। अब किसान भाइयों, बात आती है इसके हरे चारे के लिए ज्वार में जलवायु और भूमि कैसी होनी चाहिए उसकी खेती के लिए। तो वो इस प्रकार है, जलवायु हरे चारे की ज्वार की वृद्धि के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पौधे की वृद्धि अच्छी होती है, इसलिए खरीफ एवं जायद की फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। अब बात आती है किसान भाइयों भूमि की। हरे चारे की ज्वार की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। ज्वार के लिए दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। उचित जल निकास वाली भारी मिट्टी में भी इसकी बुआई की जा सकती है, अच्छी फसल ली जा सकती है। जहां तक बात पीएच मान का है तो वो 6.5 से 7 तक उपयुक्त रहता है। और ज्वार के लिए 30 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र सबसे यानी उपयुक्त है, वहां भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। उसके बाद किसान भाइयों, बात आती है खेत की तैयारी, आप किस प्रकार खेत की तैयारी करें। हरे चारे की ज्वार के लिए खेत की अच्छी तरह तैयार करना आवश्यक है। सिंचित इलाकों में 2 बार गहरी जुताई करके पानी लगाने के बाद बत्तर आने पर 2 जुताई और करनी चाहिए। बुआई का समय कौन सा उपयुक्त है इसके लिए। सिंचित इलाकों में ज्वार की फसल 20 मार्च से 10 जुलाई तक बो देनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में सिंचाई उपलब्ध नहीं है, वहां बरसात की फसल मानसून में पहला मौका मिलते ही बो देनी चाहिए। अनेक कटाई वाली किस्मों या संकर किस्मों की बिजाई अप्रैल के पहले पखवाड़े में करनी चाहिए। यदि सिंचाई व खेत उपलब्ध न हो तो बिजाई मई के पहले सप्ताह तक इसकी की जा सकती है। अब किसान भाइयों, बात आती है इसकी उन्नत किस्मों की, क्योंकि ज्वार की अनेक किस्में हैं जो एक कटाई से आपको 3-4 तक कटाई देती हैं, तो उनमें आपको अंतर करना होगा। तो पहले हम जानते हैं एक कटाई देने वाली किस्म जो कि सबसे उत्तम है, हरियाणा चरी नंबर 136, हरियाणा चरी 171, हरियाणा चरी 260, हरियाणा चरी 308। उसके बाद पीसी 6, 9 और 23 और एच सी 136, 171, 260 और उसके बाद है पूसा चरी 1 आदि भी प्रमुख है ये। उसके बाद किसान भाइयों, बात आती है 2 कटाई वाली किस्में, जिसमें है सीओ 27 व ए एस 16
और उसके बाद बहु कटाई वाली यानी 3 से 4 कटाई वाली किस्में इस प्रकार हैं, मिट्टी सूडान जिसको SSD 59-3 या फिर FSH 92-079 जिसको सफेद मोती कहते हैं, उसके बाद SSD 998-855 जिसको हरा सोना कहते हैं, और CO 27 CFSH 1 COFS 29 MP 3 और उसके बाद है राजचरी 1 व 2 और पंचचरी 6 ये प्रमुख हैं जो बहु कटाई वाली ज्वारे हैं जो आपको 3 से 4 कटाई तक दे देती हैं उचित परिस्थितियों में। उसके बाद किसान भाइयों बात आती है बीज एवं बीज की मात्रा, वो इस प्रकार है यदि खेत बली प्रकार तैयार हो तो बुआई सीड ड्रिल से 2.5 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर और 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी लाइनों में करनी चाहिए। ज्वार के बीज की दर प्राय बीज की मात्रा बीज के आकार पर निर्भर करती है, बीज की मात्रा 18 से 24 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। यदि खेत की तैयारी अच्छे प्रकार न हो सके तो छिड़कवा विधि से बुआई की जा सकती है जिसके लिए बीज की मात्रा 15 से 20% अधिक होनी चाहिए। अधिक कटाई वाली किस्में या संकर किस्मों के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डालें आप हरे चारे के लिए। खाद एवं उर्वरक, सिंचित इलाकों में इस फसल के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ की आवश्यकता होती है, सही तौर पर 175 किलोग्राम यूरिया और 190 किलोग्राम SSP 1 हेक्टेयर में डालना पर्याप्त रहता है। यूरिया की आधी मात्रा और SSP की पूरी मात्रा बिजाई से पहले डालें और यूरिया की बची हुई मात्रा बिजाई के 30 से 35 दिन बाद आप खड़ी फसल में डालें। कम वर्षा वाले व बरानी क्षेत्रों इलाकों में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी 112 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टेयर बिजाई से पहले डालें। अधिक कटाई देने वाली किस्मों में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 30 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर बिजाई से पहले व 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर हर कटाई के बाद सिंचाई के उपरांत डालने से अधिक पैदावार मिलती है। यानी इसमें खास बात किसान भाइयों यही है कि जब भी आप कटाई करें तो उसके बाद आपको 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कटाई के बाद सिंचाई के उपरांत यानी सिंचाई से पहले उसमें डालनी चाहिए। अब बात आती है सिंचाई प्रबंधन कैसे करें यानी पानी की व्यवस्था आप कैसे करें। वर्षा ऋतु में बोई गई हरे चारे की फसल में आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, यदि बरसात अंतराल बढ़ जाए तो आवश्यकता के अनुसार सिंचाई आप करें। मार्च व अप्रैल में बीजी गई फसल में पहली सिंचाई बिजाई के 15 से 20 दिन बाद और आगे की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतर पर आप करें। मई से जून में बीजी गई फसलों में 10 से 15 दिन के बाद और पहली सिंचाई करें और बाद में आवश्यकता अनुसार करते रहें। अधिक कटाई वाली किस्मों में हर कटाई के बाद सिंचाई अवश्य करें, इससे फुटाव जल्दी व अच्छा होगा। उसके बाद किसान भाइयों खरपतवार नियंत्रण आप कैसे करें। ज्वार में खरपतवार की समस्या विशेष तौर पर वर्षाकालीन फसल में अधिक पाई जाती है। सामान्यतः गर्मी में बीजी गई फसल में 1-2 गोड़ाई पहली सिंचाई के बाद बदतर आने पर करनी चाहिए। यदि खरपतवार की समस्या अधिक हो तो एड्राजिन का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि चारे के ज्वार में किसी प्रकार के रासायनिक के छिड़काव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि वो आपके पशुओं पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। उसके बाद किसान भाइयों बात आती है कीट और रोग रोक, हरे चारे की फसल में छिड़काव कम ही करना चाहिए तथा छिड़काव के बाद 25 से 30 दिन तक फसल पशुओं को नहीं खिलानी चाहिए। उसके बाद कटाई एवं HCN का प्रबंधन आप कैसे करें। हरे चारे की अधिक पैदावार व गुणवत्ता के लिए कटाई 50% छिटे निकलने के पश्चात करें। NCN ज्वार में एक जहरीला तत्व प्रदान करता है, यदि इसकी मात्रा 200 ppm से अधिक हो तो पशुओं के लिए हानिकारक हो सकता है। 35 से 40 दिन की फसल में HCN की मात्रा अधिक होती है लेकिन 40 दिन के बाद इसकी मात्रा घटने लगती है, इसलिए हरे ज्वार के चारे को 40 दिन से पहले नहीं काटना चाहिए। यदि कटाई 40 दिन में करनी अत्यंत आवश्यक हो तो कटे हुए चारे को पशुओं को खिलाने से पहले 2 से 3 घंटे तक खुली हवा में छोड़ दें ताकि HCN की मात्रा कुछ कम हो सके।
अधिक कटाई वाली किस्मों में हरे चारे की अधिक पैदावार के लिए पहली कटाई बिजाई के 50 से 55 दिन के पश्चात शेष सभी कटाइयां 35 से 40 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। अगर पहली कटाई देर से की जाए तो सूखे चारे में वृद्धि होती है परंतु हरे चारे की पैदावार व गुणवत्ता कम हो जाती है। अच्छे फुटाव के लिए फसल को भूमि से 8 से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर आप काटें। उसके बाद किसान भाइयों बात आती है उपज यानी पैदावार की, आपको इस जवाब चारे से कितनी पैदावार प्राप्त हो। हरे चारे की उपज जवार की किस्म और कटाई की अवस्था पर काफी कुछ निर्भर करती है। यदि उपरोक्त उन्नत तरीकों से खेती की जाए तो एक कटाई वाली फसल से 300 से 450 क्विंटल व अधिक कटाई वाली किस्मों से हरे चारे की उपज 500 से 750 क्विंटल प्रति हेक्टेयर किसान भाई अपने पशुओं के लिए प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो थी जवार के हरे चारे की खेती किसान भाई कैसे करें उसकी जानकारी। यदि आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक हमारा वीडियो पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर आप जरूर कीजिए। और यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में दिखाई देने वाले घंटे के आइकॉन को आप दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो जवार हरे चारे के लिए जवार की खेती कैसे करें के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।